आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार ओखला से कवरेज करता है। आज हमारे साथ बहुत कीमती वक्त यह है से जाम मिले। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद की आज आपने और जाम मिले की पहली महिला वाइस चांसलर है। इस मौके पर आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर भी रही हूँ और पूरा देश ही कर रहा है इस वक्त महिलाओं के लिए। और हमारे यहाँ परसेंटेज ऑफ गर्ल्स भी बढ़ रही है। जामिया की बात अगर करते हैं आप, और सेफ्टी, महिलाओं की सेफ्टी जो का जो मुहिम चल रहा है इस वक्त और तेज़ हो, ऐसा चाहिए। अपने आप से हमें मांग करनी चाहिए इसका। और पढ़ाई के अलावा स्किल डेवलपमेंट लड़कियों का, जिससे कि वो जॉब करें। कोई लड़की निकले जब पढ़ के वो अपनी मर्जी से घर ना बैठे, वो काम ही करे, अपनी एबिलिटी बढ़ाए, अपने वक्त बढ़ाए। मैम देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिन्हा और आप जामिया की पहली वाइस चांसलर बनी हैं, तो हम लोग क्या परिवर्तन आने वाले सालों में देखेंगे? 100 साल होने जा रहा है जामिया इस्लामिया को। आप मुझे बड़े बड़े लोगों से मत मिलाइए, मैं सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की वाइस चांसलर हुई। दूसरी बात है कि पहली बार दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने आपका नाम लिया था कि जामिया, क्योंकि हम जब प्रोग्राम में थे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ज्वाइन की, उन्होंने कहा कि जामिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत दिनों के बाद एक महिला आई है वाइस चांसलर। जामिया के लिए नहीं, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि महिला कभी आई ही नहीं थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और अब ये बहुत उम्मीद है मुझे कि आगे आने वाली बहुत सारे वाइस चांसलर जो हैं महिलाएँ ही बनेंगी, क्योंकि अगर एक महिला आई तो एक ग्लास सीलिंग तो टूट ही गई, अब बाकी उसके पीछे आती रहेंगी। हाँ, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छी तरह से मैनेज करें अपना इंस्टीट्यूशन, ताकि ये ना हो कि महिला का आना जो है वो उस इंस्टीट्यूशन के लिए फेलियर ना हो, बल्कि बहुत अच्छा हो, एक अच्छा एग्जाम्पल हो। हम लोग अक्सर कहते हैं देश की महिलाएँ देश के अगर तरक्की और खूबसूरत बनाएंगी। मैम हमने बहुत कीमती वक्त दिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।